दोस्तों, आप में से काफी लोग अपने ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस के लिए बेस्ट और चीपेस्ट ऑनलाइन शिपिंग सॉल्यूशन खोज रहे होंगे। तो दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस से इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिससे आप सबसे कम प्राइस में और सबसे अच्छे से एफिशिएंटली ऑनलाइन कोरियर प्लेस कर सकते हो कैश ऑन डिलीवरी में डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को। तो इस वीडियो को पूरी देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। मैं हूं लक्षित सेठिया और आप देख रहे हैं सुशल सेलर एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट ई कॉमर्स शिपिंग सॉल्यूशन के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कैश ऑन डिलीवरी के जो ऑर्डर्स हैं वो सबसे चीपेस्ट और सबसे बेस्ट सबसे एफिशिएंट तरीके से अपने ई कॉमर्स बिजनेस में अपने कस्टमर्स को डिलीवर कर सकते हैं। कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है? तो उसके पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हम इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में पिछले 4 साल से हैं। पिछले 4 साल से मैं ई कॉमर्स में वर्क कर रहा हूँ। जब कैश ऑन डिलीवरी नहीं आया था, प्रीपेड में काम होता था, तो हम DTDC, इंडिया पोस्ट, तिरुपति कोरियर, मारुति कोरियर, श्री मारुति कोरियर, मधुर कोरियर, ऐसे कोरियर्स के साथ काम करते थे। फिर एक समय आया जब मार्केट में कैश ऑन डिलीवरी आ गया और सारे कस्टमर्स की डिमांड आ गई कि उनको कैश ऑन डिलीवरी में ही कोरियर चाहिए। ऐसी सिचुएशन में बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स आए जो कि ऑनलाइन कोरियर इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिन सॉफ्टवेयर्स के अंदर ही बहुत सारे कोरियर इंटीग्रेटेड होते हैं, जैसे शिप रॉकेट, शिप लाइट, ई कॉमर्स और picker.com। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन कोरियर सॉफ्टवेयर्स आ गए। तो हमने सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया और समझा कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है कैश ऑन डिलीवरी में प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए। और अपने एक्सपीरियंस से समझ आया है कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें picker.com, नो डाउट आई कैन से दिस विद कॉन्फिडेंस, इज द बेस्ट ऑनलाइन शिपिंग सॉल्यूशन राइट नाउ इन इंडिया, स्पेशली फॉर ई कॉमर्स, स्पेशली फॉर कैश ऑन डिलीवरी। अब दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग ने शिप रॉकेट या शिप लाइट के बारे में सुना होगा। मैंने इनके ऊपर पहले वीडियो भी बनाई है। picker.com 2015 में आई, दिल्ली से स्टार्ट हुआ, ये एक स्टार्टअप है। अभी 26,000 से ज्यादा पिन कोड में पिकर जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को शिप करता है। इनकी कंपनी की शुरू से एक पॉलिसी थी कि ये मार्केटिंग में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये कस्टमर सपोर्ट और कस्टमर सर्विस में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए ये शुरू से ही बेसिकली B2B इंडस्ट्री में पहले आए और अभी अभी ये B2C इंडस्ट्री में आए हैं। मतलब इनिशियली ये सबसे पहले बड़ी जो ई कॉमर्स कंपनीज है उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, जैसे स्नैपडील हो गया, जैसे naptol.com हो गया, बॉश हो गया, आर्चीज हो गई, कूव्स हो गई, क्लब फैक्ट्री हो गई, ऐसी बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज को ये शिपिंग प्रोवाइड कर रहे थे। और अब इनका B2C पैनल आ गया है जिससे आप और आपके जैसे और मेरे जैसे लोग इनकी वेबसाइट के थ्रू कोरियर जो है वो कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी में कोरियर डायरेक्ट अपने कस्टमर को भेज सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन ई कॉमर्स में अगर कोरियर कंपनीज बोले जो कैश ऑन डिलीवरी में आपको ऑनलाइन शिपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, तो वो तीन ही कंपनी है इंडिया में जो अच्छा काम करती है। ऐसे तो बहुत सारी कंपनी है लेकिन ये तीन कंपनीज के बीच में ही कंपैरिजन है। सबसे पहली कंपनी है शिप रॉकेट। शिप रॉकेट काफी फंडेड, काफी बड़ा स्टार्टअप है। शिप रॉकेट बोलता है कि वो चीपेस्ट प्राइस में आपको ऑनलाइन कुरियर देते हैं, जो कि सही बात भी है। शिप रॉकेट में आपको काफी सस्ते में ऑनलाइन कुरियर मिल जाता है। उनका टेक भी काफी अच्छा है, उनकी वेबसाइट अगर जाएंगे वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है शिप रॉकेट के साथ जिसके लिए मैं कभी किसी को शिप रॉकेट रिकमेंड नहीं करता। सबसे पहली चीज की वेट डिस्क्रिपेंसीज। जितने भी बड़े ई कॉमर्स यूज करते हैं उनको बहुत ज्यादा वेट डिस्क्रिपेंसीज आती है शिप रॉकेट में। मतलब वेट डिस्क्रिपेंसी क्या होते हैं उसको समझते हैं। जैसे एक प्रोडक्ट है उसका सपोज साइज है 500 ग्राम, उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट आ रहा है, आपने 500 ग्राम उसमें इनपुट किया, तो शिप रॉकेट अपने तरफ से उसको जो उसका जो वेट है वो इंक्रीज कर देता है। या फिर काफी बार ऐसा होता है कि लोग सही में काफी बड़े प्रोडक्ट डाल देते हैं और छोटा वहां पे मार्किंग कर देते हैं, इनपुट छोटा डालते हैं और प्रोडक्ट का साइज बड़ा डालते हैं, उसके कारण वेट डिस्क्रिपेंसी इशू होती है। बट यहां पे मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने जेन्युइन प्रोडक्ट डाला है, जेन्युइन साइज डाला है, उसके बाद भी मुझे बहुत अनरीजनेबली वेट डिस्क्रिपेंसीज इशू हुई है। वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है शिप रॉकेट का। जो सेकंड पॉइंट है वो है उनका पैथेटिक कस्टमर सपोर्ट। कभी आपको कस्टमर सपोर्ट से कोई रिस्पांस नहीं मिलता, आपको बार बार ईमेल करना पड़ता है। बहुत अगर आपका ई कॉमर्स चलते रहते तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बार ईमेल करते रहो। तो उनका कोई ऐसा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का नंबर नहीं है जिससे आप डायरेक्टली कॉल करके अपना इश्यूज, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसके कारण मैं शिप रॉकेट को किसी को रिकमेंड नहीं करता। दूसरी कंपनी है शिप लाइट। शिप लाइट भी फेयरली न्यू कंपनी है। शिप लाइट स्लाइटली बेटर है शिप रॉकेट से, लेकिन अगेन शिपलाइट में भी दो प्रॉब्लम आती ही आती है। सबसे पहले पुअर कस्टमर सपोर्ट, कि कोई कस्टमर सपोर्ट ढंग का है नहीं। सेकंड, जब आप ऑनबोर्ड करने जाते हो शिपलाइट में तो पहले आपको 2,000 रुपीज तो एज अ रिचार्ज करने के लिए अपना अकाउंट देना पड़ता है, उसके बाद आपका अकाउंट बनता है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि काफी लेट है शिपलाइट।
आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने अभी ही दो दिन पहले, दो तीन दिन पहले एक कोरियर किया था शिपलाइट में। 28th को मैंने एक कोरियर डाला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, 28th को मैंने एक कोरियर इनपुट किया था शिपलाइट में। अभी तक के आप देख लीजिए, आज 1 नवंबर है, तो 28, 29, 30 और 1st, 4 दिन में ये शिपमेंट अभी तक के मेरे एरिया में ही है, मतलब आगे ही नहीं बढ़ा। बेसिकली इनकी जो सर्विस है वो इतनी ज़्यादा लेट है, तो इसके कारण मैं कभी शिपलाइट भी रिकमेंड नहीं करता किसी को। अब मार्केट में एक नई सर्विस आई है जिसका नाम है picker.com, जो पहले बड़ी बड़ी कंपनियों को ऑनलाइन शिपिंग प्रोवाइड करती थी, अब वो B2C चैनल पे आ गई है। मतलब आप जैसे, मेरे जैसे जो लोग हैं, जो स्मॉल ई कॉमर्स ओनर्स हैं, वो भी इसमें अपने 1-to-1 ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब ये क्या क्या चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये आपको बहुत सिंपल इंटरफेस दे रहे हैं अपना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ईजिली आप अपना यहाँ पे कोरियर पुट कर सकते हैं, आप मल्टीपल पिकअप लोकेशन से कोरियर इनपुट कर सकते हैं। मतलब कहीं से भी आपको अगर प्रोडक्ट उठवाना है तो आपको एक ही वेयर हाउस नहीं देना पड़ेगा, आप कहीं का भी वेयर हाउस दे सकते हैं, मल्टीपल पिकअप जोन्स दे सकते हैं। तीसरी चीज, इनके पास बहुत सही प्राइसिंग है। अगर इनकी प्राइसिंग देखा जाए तो इनकी प्राइसिंग उतनी ही है जितनी शिप रॉकेट की है, इनफैक्ट कई कई बार उससे भी सस्ती है। तो प्राइसिंग में भी picker.com जो है वो एक लेवल आगे है अभी। चौथी जो चीज़ है वो वेट डिस्क्रिपेंसी की है। दोस्तों, picker.com में वेट डिस्क्रिपेंसी नहीं आता। उस चीज़ के हिसाब से मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, इस कंपनी में मेरे को अभी तक के वेट डिस्क्रिपेंसी नहीं आया, जो सबसे अच्छी चीज़ है। दोस्तों, इसमें पे पर यूज़ का फीचर भी है कि अगर आपको रिचार्ज करना है तो आप रिचार्ज भी कर सकते हो एक अमाउंट, अगर आपका लमसम में बड़े लेवल पे काम है। अगर आपको बड़े लेवल पे नहीं है, 1-on-1 बेसिस पे अगर आपको कोरियर लगाना है तो आपको पहले रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा, आप जब कोरियर लगाओगे तब आपको पे करना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों, जो मेरे को सबसे अच्छी पॉइंट लगती है, शिपिंग में कस्टमर सर्विस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपके साथ एक कस्टमर सर्विस का एक एग्जीक्यूटिव जो है, आपका अकाउंट मैनेजर है, वो जुड़ जाएगा। वो आपको NDR रिपोर्ट्स देगा, उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यूज आ रहे हैं अगर कुरियर के बीच में, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके उनसे बात कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो बाकी सारी कंपनीज में नहीं है, जो कि आपको खाली शिपिंग सर्विस प्रोवाइड करती है लेकिन जो कस्टमर सपोर्ट है वो प्रोवाइड नहीं करती। अब दोस्तों, जो आखिरी पॉइंट है वो भी बताना चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग इंटरनेशनल कोरियर करना चाहते होंगे, picker.com से आप सबसे कम प्राइस में इंटरनेशनल कोरियर भी कर सकते हो। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ picker.com का, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। मैंने शिपरॉकेट को भी यूज़ किया है, काफ़ी समय तक की शिपलाइट को भी यूज़ किया है और picker.com को भी यूज़ किया है। इनफैक्ट अभी जो मैं picker की APIs यूज़ कर रहा हूँ अपने सॉफ्टवेयर्स में, अपने ई कॉमर्स वेबसाइट्स में, तो मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें। तो इनकी APIs भी बहुत अच्छी है, फेयर है, कंपनी की प्राइसिंग बहुत फेयर है, चीप प्राइसिंग है, कम प्राइसिंग और सर्विस बहुत अच्छी, कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये आप सभी को बोल सकता हूं कि picker.com आज की डेट में इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन शिपिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर है। अब दोस्तों, मैं आप सभी को लाइव डेमो दिखाता हूं, एक बार उनकी वेबसाइट पे ले जाके दिखाता हूं कि कैसे उसको यूज करते हैं। तो ये देखिए, ये इनकी वेबसाइट है, काफी सिंपल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो कि कौन कौन से लॉजिस्टिक पार्टनर्स के साथ ये काम करते हैं। तो जितने लॉजिस्टिक पार्टनर्स जो शिप रॉकेट के साथ है या शिपलाइट के साथ है, वो इनके साथ भी है। जो सारे मेजर लॉजिस्टिक पार्टनर्स इनके साथ इंटीग्रेटेड है, इनके साथ सारे चैनल पार्टनर्स हैं। मतलब अगर आप शॉपिफाई पे काम करते हो, वू कॉमर्स पे काम करते हो, ओपन कार्ट में अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है या वर्डप्रेस में आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन सी ब्रांड्स के साथ इन्होंने पहले काम किया है। तो इन्होंने आर्चीज के साथ काम किया, स्नैपडील के साथ काम किया, बॉश जैसी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है, एज वेल एज नापतोल जैसी कंपनियों के साथ भी इन्होंने ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। देखिए, जो इनका डैशबोर्ड है जहां से शिपिंग होती है वो ऐसा है, काफी इजी है। ये भी मैं आपको एक डेमो अकाउंट दिखा रहा हूँ, यहाँ से आपको टोटल कैश ऑन डिलीवरी का शिपमेंट पता चल जाएगा, यहाँ पे प्रीपेड शिपमेंट पता चल जाएगा, यहाँ पे रिवर्स शिपमेंट कौन कौन से आए हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। फिर यहाँ से आप इजिली सर्च कर सकते हैं अपने कुरियर को। तो काफी सिंपल है, ये सिर्फ एक पैनल है जो आपको समझने के लिए लगेगा। यहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, सिंगल ऑर्डर प्लेस करना है तो बहुत ईजी है। यहाँ पे आप एड्रेस डाल सकते हो जहां से भी आपको पिकअप करना है, यहाँ पे लिखा है एड न्यू पिकअप एड्रेस, यहाँ पे आप एड्रेस डाल दीजिए जहां से भी आपको प्रोडक्ट को पिकअप करवाना है, चाहे वो आपका वेयर हाउस हो या आपके होलसेलर का वेयर हाउस हो। फिर यहाँ पे आप कस्टमर का एड्रेस डाल दीजिए इजीली, फिर उसके नीचे आप आइटम का नाम डाल दीजिए, क्या प्रोडक्ट है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी इनवॉइस की वैल्यू कितनी है, कैश ऑन डिलीवरी अमाउंट कितना है। और यहाँ पे आप नेक्स्ट डे डिलीवरी भी कर सकते हो, मतलब इसमें फास्ट शिपिंग का भी ऑप्शन है। यहाँ पे आप डायमेंशन डाल सकते हो, डायरेक्टली ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो, तो काफ़ी ईजी है। बल्क ऑर्डर भी कर सकते हो, वो एक्सेल शीट से होते हैं, यहाँ पे आप टेम्पलेट डाउनलोड कर दीजिए, जो बल्क ऑर्डर का जो टेम्पलेट है वो आपका यहाँ डाउनलोड हो जाएगा और उसके हिसाब से यहाँ पे आप अपलोड कीजिए। तो बल्क में आप 100-200 कोरियर है वो भी यहाँ पे अपलोड करके शिप कर सकते हैं।
फिर उसके नीचे आप देखेंगे तो बिलिंग सेक्शन है, यहाँ पे आप बिलिंग अपने इनवॉइसेस देख सकते हैं कि कौन कौन से कौन कौन से शिपिंग का आपको कितना चार्ज हुआ है। यहाँ से आप रेमिटेंस देख सकते हैं, रेमिटेंस मतलब होता है आपका जो कैश ऑन डिलीवरी का जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट पे जो आता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेमिटेंस को। फिर यहाँ पे आप अपने वॉलेट को रिचार्ज कर सकते हैं और बेसिकली यू नो क्रेडिट्स को ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप पिन कोड में आप सर्विसेबिलिटी देख सकते हैं कि कौन से पिन कोड में है, यहाँ से आप टिकट रेज कर सकते हैं अगर आपको कस्टमर सपोर्ट से बात करना है तो। काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है पिकर, और बेसिकली आपको मेरे जैसे बिजनेस ओनर्स को हमको रेट से मतलब है, अगर हमको प्राइस और सर्विस अच्छी मिल रही है तो बेसिकली हमारे लिए वो प्रोडक्ट अच्छा होगा, और दोनों चीज़ को देखते हुए कंसिडर करते हुए पिकर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे आप अपना ई कॉमर्स का कोरियर जो है वो शुरू कर सकते हो। चाहे आपका क्वांटिटी कम है चाहे आपका क्वांटिटी ज़्यादा है, दोनों केस में पिकर एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कैसे आप पिकर जैसे एक सॉफ्टवेयर से अपने खुद का एक बिजनेस मॉडल बना सकते हो, अपना खुद का एक बिजनेस चालू कर सकते हो बिना कुछ इन्वेस्ट किए, बिना कुछ निवेश किए। तो दोस्तों मेरे पास दो पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल्स हैं जो मेरे दिमाग में आए हैं जो आप भी चालू कर सकते हो अपने घर बैठे बैठे अपने एरिया में पिकर जैसे सॉफ्टवेयर को यूज करके। तो सबसे पहला ऑप्शन है, सबसे पहला तरीका है कि देखिए आज की डेट पे बहुत सारे ऑनलाइन जो ऑफलाइन शॉप्स हैं वो धीरे धीरे ऑनलाइन आने की कोशिश कर रहे हैं, वो ई कॉमर्स में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको भी पता है मुझे भी पता है कि ई कॉमर्स में 70% कुरियर कैश ऑन डिलीवरी का होता है, और लोकल एरिया में ऑफलाइन में कैश ऑन डिलीवरी के लिए कोई सर्विस है ही नहीं, मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसी शॉप नहीं है जहां पे आप जाके कैश ऑन डिलीवरी पे दे सको। जो लोकल कुरियर होते हैं जैसे DTDC हो गया, तिरुपति कुरियर हो गया या और कोई कुरियर हो गए, वो नॉर्मल जो कुरियर है वो कैश ऑन डिलीवरी पे नहीं लेते, वो प्रीपेड बेसिस पे लेते हैं कुरियर। तो आप अपने लोकल शॉप ओनर्स को या लोकल दुकान वालों को कैश ऑन डिलीवरी की फीचर दे सकते हो, फैसिलिटी दे सकते हो, सर्विस दे सकते हो अपने एरिया पे, और उनसे पर कोरियर का 20-30 रुपए ऐसा कुछ चार्ज कर सकते हो, और बेसिकली उनके लिए कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो उनके कस्टमर्स के लिए। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है जो आप घर में बैठे बैठे बिना इन्वेस्ट किए कर सकते हो। आपको सिर्फ पिकर में अपना अकाउंट बनाना है, पिकर में आपको बेसिकली आपको पिकअप जनरेट करना है अपने जो भी सेलर है उनके उनके वेयर हाउस में, और वहां से आप इजिली अपना बिजनेस कर सकते हो। सेकेंड एक और तरीका है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉडल है, बट आज की डेट पे बहुत सारे रीसेलर्स और कस्टमर्स को सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी में प्रोडक्ट चाहिए। तो आप अपने लोकल दुकान से लेके अपने ब्रांड नेम के नाम से अपने कस्टमर्स को बेच सकते हो, या फिर किसी होलसेलर से लेके उसको कैश ऑन डिलीवरी में अपने रीसेलर या अपने कस्टमर को बेच सकते हो अपना ब्रांड यूज करके। तो ऐसे आप कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस दे सकते हो। अदरवाइज मार्केट में और कोई ऐसी सर्विस नहीं है जिससे आप कैश ऑन डिलीवरी कर पाओ, अदरवाइज आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर पाओगे कैश ऑन डिलीवरी में। बोलने का ये मतलब है कि आपको पहले माल प्रोडक्ट अपने पास मंगाना पड़ेगा, फिजिकल इन्वेंट्री लगेगी, और फिर उसके बाद आप कैश ऑन डिलीवरी किसी को दे पाते। बट picker.com से ये सारी चीजें काफी ईजी हो गई है, आप इजिली ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे। इनफैक्ट आप जो मैंने आपको फर्स्ट मॉडल बताया, आप अपने लोकल शॉप्स को कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और वहां से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। आप आई होप मेरा एक जो जेन्युइन फीडबैक है, जेन्युइन ओपिनियन है कि बेस्ट कुरियर कंपनी कौन सी है वो आप सभी को सही लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्सअप जरूर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई भी सजेशन है, कोई भी मेरे लिए कोई भी कॉमेंट है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिखो, एंड मुझे सजेस्ट भी करो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।